उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को यूपी स्मार्ट विलेज योजना के अंतर्गत स्मार्ट बनाने की शुरुआत कर दी है। अब गाँव को बनाया जाएगा स्मार्ट विलेज। तो गाँव को स्मार्ट विलेज बनाने की शुरुआत हो गई है और उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी बनाने पर तेजी से काम चल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से कहा गया है कि स्मार्ट शहरों की तरह ही गाँव को भी स्मार्ट बनाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटी की तरह उत्तर प्रदेश के सभी गाँव भी स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गाँव को स्मार्ट बनाने की दिशा में काम शुरू कर दें। तो यह जो है योजना शुरू कर दी गई है, विलेज स्मार्ट वाली योजना, गाँव को स्मार्ट बनाना है। और गाँव को स्मार्ट बनाने से गाँव वासियों को क्या लाभ मिलेगा, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और स्मार्ट विलेज बनने से गाँव में क्या क्या बदलाव आएगा, क्या क्या आपको लाभ और फायदे मिलेंगे, चलिए हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी गाँवों को डिजिटलीकरण करने की योजना सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है। इस योजना के तहत सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जाएगी जिससे लोगों को तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी और इससे सभी प्रकार के डिजिटल कार्य बहुत आसानी से और जल्दी हो जाया करेंगे, जिसमें निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि सभी सुविधाएं खुद से बनाने के लिए गाँव में बीसी सखी भी रखी जाएंगी जिससे उत्तर प्रदेश के गाँव का डिजिटलीकरण हो सके और उत्तर प्रदेश का अधिक से अधिक विकास हो सके। इसके अलावा पंचायत भवन पर आपको पंचायत सहायक भी मिलेंगे और भी वहाँ पर जो है अधिकारी जो भी है उपस्थित रहेंगे जिनको वहाँ पर कार्य के अनुसार रखा जाएगा। स्मार्ट विलेज के नाम पर सिर्फ सड़क, पानी और बिजली ही नहीं बल्कि फ्री वाईफाई की सुविधा भी आप लोगों को मिलेगी। निजी स्कूलों की तरह अपग्रेडेड सरकारी स्कूल होंगे, लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी और पार्क जैसी सुविधा मिलेगी। स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन सभी प्रयासों के साथ गांव की बुनियादी सुविधाओं में बदलाव देखने को मिलेगा। वहां पर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी एक स्मार्ट विलेज में जो होनी चाहिए। अधिकारियों का दावा है कि फिलहाल यह कोशिश की जा रही है कि गांव में सीवेज, ड्रेनेज, सड़कें, पेयजल, बिजली, टेलीफोन के लिए ऑप्टिकल फाइबर और केबल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मिल सके, इसके लिए आधुनिक सुविधाओं के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसी के साथ साथ यह भी कहा गया है कि गांव में बेहतर साफ सफाई हो इसके लिए जागरूक किया जाएगा और लोग शौचालय का प्रयोग करें, उस गाँव के सफाई कर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस योजना के जो है जो भी कार्य होंगे उसकी समीक्षा भी की जाएगी और इस समीक्षा के दौरान अधिकारी ग्राम पंचायतों का भ्रमण भी करेंगे। भ्रमण के दौरान उनके जरिए गांव की दशा में सुधार का आकलन किया जाएगा। इस आकलन में जो ग्राम पंचायतें खरी उतरेंगी वहां के सफाई कर्मियों को बड़े मंच से सम्मानित भी किया जाएगा। इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि जो कार्यकर्त्रियाँ हैं, स्वास्थ्य विभाग की आशाएँ हैं, गाँव में घूम घूम कर प्रतिदिन स्नान के फायदे और खाने के पूर्व हाथ धुलने का सलीका बताएंगी। गांव में शिक्षित वर्ग की एक टीम बनाई जाएगी, यह टीम लोगों को बातचीत करने का सलीका सिखाएगी और इसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी के DPRO करेंगे। यानी कि अब गांव में विभिन्न आधुनिक सुविधाओं को देने के साथ साथ सरकार जो गांव का माहौल है, वातावरण है, उसमें भी सुधार लाने का प्रयास करेगी। स्वच्छता, साफ सफाई के साथ साथ आपका जो बोलचाल का तरीका है, शिष्टाचार है, व्यवहार है, इसको भी बेहतर से बेहतर करने के लिए टीम बनाएगी जो आप लोगों को बातचीत करने का, बोलने का ढंग और सलीका भी सिखाएगी। तो यह सब है एक स्मार्ट विलेज के अंतर्गत। अब सभी उत्तर प्रदेश के गांवों को स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा और यहां पर बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके अलावा पंचायत भवन और जो भी सरकारी भवन है सबका जो है सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, जो निर्मित नहीं है निर्माण कराया जाएगा और जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वहां पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
इसी के साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने यह भी कहा है कि जितने भी तालाब हैं और जो अमृत सरोवर हैं सबका सौंदर्यीकरण किया जाए और उसके आसपास पेड़ पौधे लगाए जाएं, सुंदर अच्छा वातावरण बनाया जाए। तो ये सब आदेश आने से कहीं ना कहीं जो स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं उसके अंदर वैकेंसी भी आएंगी। जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में आप सभी को यह बताया था कि अमृत सरोवर के निर्माण के बाद अमृत सरोवर सखी की वैकेंसी भी आने वाली 2024 में। तो जैसे ही ये सारा अमृत सरोवर निर्माण का कार्य पूरा होता है तो वैकेंसी शुरू हो जाएगी भरना। तो एक तरीके से समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के अवसर भी मिलने वाले हैं। स्वच्छता अभियान भी शुरू होगा, स्वच्छता ग्राम स्तर पर भी, ग्राम पंचायतों में भी सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा कचरा निस्तारण अलग करने के लिए केंद्र बनाए जाएंगे और टीम लगाई जाएंगी और ग्राम स्तर पर भी स्वच्छता सखियों का और सफाई कर्मियों का भी वहाँ जो है वैकेंसी होगा जिसमें जो है भर्ती किया जाएगा। तो कुछ यह है कि स्मार्ट विलेज बनने के साथ साथ कई सारी वैकेंसी भी आएंगी। अब खेल का मैदान बनेगा, पार्क बनेगा, तो उसके रख रखाव के लिए भी कुछ ना कुछ जो है सुविधा बनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं 2024 में स्मार्ट विलेज बनने से कई जगह ज़्यादा जो है लोगों को लाभ मिलेगा, जहां आधुनिक बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी उसी के साथ साथ कुछ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। तो यूपी में सभी गांव में स्मार्ट विलेज की जो योजना शुरू हो रही है यह आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी ग्रामवासियों के लिए जो ग्राम स्तर पर हैं उनके लिए। तो मैंने वीडियो के माध्यम से जानकारी आप सभी तक चाहती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर लीजिएगा। और ऐसे ही ग्राम स्तर से रिलेटेड जो भी अपडेट जानकारी होगी और समूह से रिलेटेड कोई जानकारी होगी, ग्राम स्तर की नौकरी से रिलेटेड कोई जानकारी होगी, तो हम लगातार वीडियो बनाते रहते हैं। आप लोग जरूर से वीडियोज देखा करें और हर नई वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।